हेल्दी इंडियन रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज कुछ बच्चों के लिए नया बनाते हैं। एक बोल ले लिया है, उसमें एक छन्नी रख दी है हमने। उसमें एक कप मैदा डालेंगे, आधा कप पिसी हुई चीनी डालेंगे और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून सोडा डालेंगे और चुटकी नमक डाल दीजिए। सभी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से छान लेते हैं। सब छानने के बाद सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसमें 2 चम्मच बटर मेल्ट करके डाल दीजिए। उसको भी मिक्स करने के बाद थोड़ा सा दही ले लीजिए हाथ में और आटे को मलते जाइए। थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगा लीजिए। आटे को एक डब्बे में 1 घंटे के लिए बंद करके रख दीजिए ताकि फर्मेंटेशन हो जाए। एक घंटा हो चुका है। आटे को वापस मल लीजिए, थोड़ा सा सूखा आटा लगा लीजिए। आटा ज़्यादा गीला हो तो सूखा आटा लगा के उसको थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए। ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, 2 भाग करके उसको बेल लीजिए। 1 भाग बेल रहे हैं हम, मोटाई इतनी रखनी है। एक ढक्कन ले लीजिए कोई भी छोटा सा और राउंड शेप में इनको काट लीजिए इस तरीके से। इसी तरह सारे बना लीजिए। मीडियम आंच पर तेल मीडियम गर्म होने के बाद इनको डाल लीजिए। इसके ऊपर इस तरीके से ऑयल डालिए ताकि फूल जाएं। अब इनको पलट लीजिए। और निकाल लीजिए। गोल्डन ब्राउन होने पर इनको निकालने के बाद हम दूसरा भी डाल रहे हैं इसमें। इसी तरह सारे बना लीजिए। लीजिए, तैयार है बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा स्वीट डिश। और इसके ऊपर हर्षी सिरप जितना आपके बच्चे चाहें उतना डाल के दीजिए और डेकोरेट कर लीजिए। थैंक यू। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए।